9 न्यूज में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा राज्य दर राज्य बढ़ती जा रही है, जहां राहुल गांधी हर राज्य में अपनी मजबूती को पेश करने के लिए कांग्रेस पार्टी को वर्चस्व में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व राज्य में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बार बार राहुल गांधी को अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा रोकनी पड़ रही है। कई बार ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोकते हुए नजर आए। हाल ही की बात करें, जब उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा देखने को मिली, उस दौरान वायनाड में एक युवक की जान चली जाती है, जिस वजह से राहुल गांधी अपनी यात्रा को रोककर वायनाड पहुंच जाते हैं उस युवक के परिजनों से मुलाकात करने के लिए। और इसी बीच में एक बार फिर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रुकती हुई नजर आ रही है। न्याय यात्रा राहुल गांधी की रुकने की वजह यहां पर ये बताई जा रही है कि राहुल गांधी को अब कोर्ट में पेश होना है। राहुल गांधी पर एक बड़ा मामला यहां पर दर्ज है, जिसके चलते अब राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी होती हुई नजर आएगी। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिलहाल अभी भी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन कुछ घंटों के लिए इस यात्रा पर विराम लगाया गया है। इसकी वजह है कि राहुल गांधी को 2018 के एक मामले में सुल्तानपुर की स्थानीय कोर्ट में पेश होना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बताया कि सुबह भारत जोड़ो न्याय यात्रा कुछ देर के लिए थम जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में सुल्तानपुर की स्थानीय कोर्ट में पेश होना है। आपको बता दें कि जयराम नरेश ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को 37 दिन यहां पर हो गए हैं, लेकिन यात्रा को लेकर राहुल गांधी कभी भी रुके नहीं हैं। लेकिन मजबूरन यहां पर राहुल गांधी को रुकना पड़ रहा है। कई ऐसी घटनाएं सामने आ जाती है जहां पर ये सारी चर्चाओं के बीच में कभी कभार होता है कि राहुल गांधी को अपनी इम्पॉर्टेंस कहीं और देनी पड़ जाती है, तो इसी बीच में अब कोर्ट में पेशी है, इसलिए राहुल गांधी आज थोड़ी देर के लिए अपनी यात्रा को रोकते हुए नजर आएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2018 के एक मामले में 20 फरवरी को सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट ने तलब किया है। राहुल गांधी ने 2018 में बेंगलुरु में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस समय BJP के जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। विजय मिश्रा ने इस मामले के बारे में बताते हुए कहा था कि जब ये घटना हुई, मैं उस समय BJP का जिला उपाध्यक्ष था। राहुल गांधी ने बेंगलुरु में अमित शाह को हत्यारा कहा था। जब मैंने उनके इन आरोपों के बारे में सुना तो मुझे बहुत दर्द हुआ, क्योंकि मैं अपनी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैंने अपने वकील के जरिए शिकायत दर्ज कराई और ये मामला बीते 5 सालों से जारी है। अब इसी मामले में राहुल गांधी की पेशी है।